आज मैं आपको एक नए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जानकारी देने जा रहा हूँ। यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको यह बताता है कि कैसे छोटे मोटे प्रश्न आप अपने सामने वालों से पूछ सके। अंग्रेजी बोलने के लिए मेरा मानना है कि ये सबसे पहला कदम है। जब तक आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज WH क्वेश्चन की जानकारी नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप बेहतर ढंग से किसी से अपने प्रश्नों को पूछ सकते। यहाँ तक कि मेरे क्लासरूम में भी आपको मुझसे प्रश्न पूछना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की ही जरूरत पड़ेंगी। ये जो WH क्वेश्चंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज भी टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी के 24 हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिनका आंसर हम लोग यस नो में दे सकते हैं। जैसे मैं पूछूंगा कैन यू गो टू दिल्ली, आप कहेंगे यस आई कैन गो टू दिल्ली। फिर मैं पूछूंगा कैन यू गो टू मुंबई, आप कहेंगे नो आई कैन नॉट गो टू मुंबई। तो यस नो क्वेश्चन होता है। फिर मैं पूछूंगा हु इज योर इंग्लिश टीचर, हु इज योर फेवरेट फिल्म एक्टर। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये WH क्वेश्चंस होते हैं और इसकी यूटिलिटी बहुत अधिक होती है। जब तक हम इसका सही ढंग से यूजेज नहीं जानेंगे तब तक हम बोलचाल की भाषा में या इंग्लिश कन्वर्सेशन में हम बहुत सारी चीज़ों को अनदेखी कर देंगे। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए WH क्वेश्चन की जानकारी बेहद ज़रूरी है। ये 9 वर्ड्स होते हैं और ये 9 वर्ड्स का प्रयोग हम लोग अंग्रेजी के 24 हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर मे माइट शुड मस्ट आउट टू कैन कुड डू डज डिड के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसे टेंस में वॉइस में भी इसका यूज कर सकते हैं। इससे हम मल्टीपल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज का निर्माण करते हैं और ये बेहद ज़रूरी है कि हम इसकी सही तरह से इसकी जानकारी रखें। सबसे पहले गाइस ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं, बट यस नो में हम इसके आंसर नहीं दे सकते। बट छोटे छोटे प्रश्नों को पूछने के लिए इसकी बेहद इसकी ज़रूरत होती है। आप भारत या दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, यदि सामने वाले व्यक्ति से आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले यही पूछना पड़ता है हाउ हु विच व्हेन वेयर हुम। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन वर्ड्स भी इसे कहते हैं जिसके द्वारा आप अपनी बातों को रखते हैं। तो आज हम इन्हीं शब्दों का परिचय आपको दे रहे हैं क्योंकि मेरे बताए गए 24 हेल्पिंग वर्ड्स और टेंस पे आधारित है। तो आइए सबसे पहले जानिए कि ये 9 वर्ड्स कौन है। सबसे पहले ये 9 वर्ड्स है WHO हु कौन किसने। इसका प्रयोग हम लोग सिलेक्शन के अर्थ में दिखलाते हैं। उससे पहले दो वर्ड जान लीजिए, LT लिविंग थिंग जिसको हम सजीव कहते हैं, जिंदा व्यक्ति या चीज, या NLT नॉन लिविंग थिंग निर्जीव चीज। तो इसमें जो 9 वर्ड्स है इसमें एक वर्ड WHO विच ही है, इसको मैं स्टार दे रहा हूँ, WHO विच ही है जो बेसिकली नॉन लिविंग में यूज होते हैं। नहीं तो बाकी जितने सारे वर्ड्स हैं वो सब लिविंग या बोथ दोनों में यूज होते हैं। जैसे WHO कौन किसने के अर्थ में यह सिलेक्शन दिखलाने के अर्थ में होता है। जब कई व्यक्ति हो उनके बीच एक सिलेक्शन दिखलाना हो तो फिर हम लोग WHO हु का प्रयोग करते हैं। यदि नॉन लिविंग थिंग्स हो जैसे पेन, पेंसिल, टेबल्स, मोबाइल्स वगैरह, तो हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। ये भी कई चीज़ों में एक को सिलेक्ट करता है, विच कौन सा या कौन सी। सिलेक्शन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। हुज ये पोजिशन अधिकार को बतलाता है, पोजिशन मतलब होता है अधिकार, जैसे किसका या किसकी। चौथा जो है हुम, ये हु का ही एक परिवर्तित रूप है जो मॉडर्न इंग्लिश में हुम के बदले हम लोग हु का ही प्रयोग करते हैं, बट हुम भी यूज में आते हैं। जैसे हुम का अर्थ होगा किसी या किसको, ये भी सिलेक्शन के अर्थ में यूज होता है। फिर हम लोग वेयर का प्रयोग कहाँ के अर्थ में करते हैं, ये प्लेस स्थान के लिए होता है, जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सब जगहों के लिए हम लोग प्लेस का प्रयोग करते हैं। बोथ व्हेन कब, समय दिखलाने के लिए, टाइम को दिखलाने के लिए हम लोग व्हेन का प्रयोग करते हैं। यदि हमें वे तरीका दिखलाना हो तो हम लोग फिर बोथ का प्रयोग करते हैं, हाउ का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, बोथ। बोथ मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आएगा। जैसे देखिए यहाँ बोथ 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 बोथ, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आएगा। फिर आइए व्हाई, ये पर्सन रीजन करने के लिए क्यों के अर्थ में किया जाता है, ये भी काफ़ी उपयोगी वर्ड है। और आइए अंत में व्हाट, क्या, कॉज, ये कारण बताने के लिए किया जाता है। तो गाइज अब मैं ये दिखलाऊंगा कि सारे वर्ड किस तरह के स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो कॉमन स्ट्रक्चर है इसमें हम 24 हेल्पिंग वर्ब्स या एक्जिलरी वर्ब्स को किसी तरह से भी जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए हाउ व्हेन व्हाई, 9 में से मैंने 3 लिया फिर ETC दे दिया,
ठीक है, जिससे कि जगह कम है मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। हाउ वेन वाई इटीसी एचबी कैन शुड इटीसी प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इन शब्दों के शब्द भी वन का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग मैं आगे बता रहा हूँ, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दूँ। अब आइए मैं टेंस में आ रहा हूँ, टेंस की दुनिया में आ रहा हूँ, इसको टेंस से कनेक्ट कर रहा हूँ। हाउ वेन वाई इटीसी आपको पता है, सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के लिए डू डज डिड इटीसी शैल विल इटीसी इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस में हम लोग भी फोर, इसमें भी वन का है, इसमें भी फोर, भी फोर मीन्स भी वन प्लस आई एन जी। हाउ वेन वाई इटीसी प्लस इज आर वाज वेयर सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट के लिए गाइज हम लोग क्या यूज करेंगे, हाउ वेन वाई इटीसी एच बी हैव हैड हैज इटीसी भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पिजिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हम लोग फिर भी फोर का प्रयोग करेंगे, जैसे हाउ वेन वाई इट इशी हैव हैज हैड इट इसी सब्जेक्ट प्लस बीन लगता है इसमें प्लस भी फोर प्लस फोर सिंस ये ऑब्जेक्ट। तो गाइज ये हमारे स्ट्रक्चर्स हुए। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल्स बोलूँगा भी वर्बली, फिर मैं दो चार आपको लिख कर एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आप आइए, ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स में से है। जैसे देखिए, इसमें याद रखिएगा कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हमेशा उल्टा चलते हैं, रिवर्स चलते हैं। मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आते हैं, फिर उसमें हम डब्ल्यू एच क्वेश्चन जोड़कर उसको दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कैसे आप क्रिकेट खेल सकते हैं, हाउ कैन यू प्ले क्रिकेट, कैसे आपको क्रिकेट खेलना चाहिए, हाउ शुड यू प्ले क्रिकेट, क्यों आप सच बोल सकते हैं, वाई कैन यू स्पीक द ट्रूथ, कब आपको सच बोलना चाहिए, वेन शुड यू स्पीक द ट्रूथ। तो गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, कैन शुड ये सब हेल्पिंग वर्ब है जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स के बाद आते हैं और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन होते हैं। सकते हैं तो कैन आपने दिया, चाहिए है तो शुड दिया। यदि आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो आप इस तरह से चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर देखिए टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट है, कैसे आप अंग्रेजी बोलते हैं। हाउ डू, डू इज फॉर सिंपल प्रेजेंट, यू है तो डू आया। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, क्यों आप दिल्ली गए। वाई डिड, ये सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट के लिए हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे। वाई डिड यू गो टू दिल्ली, किसको आप मदद करेंगे, हुम विल यू हेल्प, कैसे प्रिया अंग्रेजी बोलती है। ये चूंकि नाम है प्रिया तो इसके लिए डज आया, ठीक है, इसके लिए डज आया। हाउ डज प्रिया स्पीक इंग्लिश, अब मैं कुछ भड़बली आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बतलाऊँगा भड़बली। अब देखिए कुछ सिंपल प्रेजेंट पास्ट का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कैसे आप फुटबॉल खेलते हो, हाउ डू यू प्ले फुटबॉल, कैसे आप सच बोलते हो, हाउ डू यू स्पीक द ट्रूथ, कैसे वे झूठ बोलते हैं, हाउ डू दे स्पीक अन ट्रूथ, क्यों आप मुंबई जाते हो, वाई डू यू गो टू मुंबई, क्यों आपने मेरी मदद की, वाई डिड यू हेल्प मी, क्यों वे आगरा गए, वाई डिड दे गो टू आगरा। अब सिंपल फ्यूचर में बता रहा हूँ, क्यों आप अंग्रेजी सीखोगे, वाई विल यू लर्न इंग्लिश, क्यों आप सच बोलोगे, वाई विल यू स्पीक द ट्रूथ, कैसे आप अंग्रेजी सीखोगे, हाउ विल यू लर्न इंग्लिश, कैसे आप गणित को इम्प्रूव करोगे, हाउ विल यू इम्प्रूव योर मैथमेटिक्स। तो गाइस सिंपल सा रूल है कि कैन हो, शुड हो, विल हो, डू डज डिड हो, हम लोग ये नाइन वर्ड्स में इसको अरेंज कर सकते हैं, बशर्ते ये सारे वर्ड्स पहले हो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड्स हो, बाकी वो टेंस का और जो जनरल रूल्स हो वो होंगे। फिर मैं एक क्विक रिकैप, कैसे आप पटना जा सकते हो, हाउ कैन यू गो टू पटना, कैसे आप अंग्रेजी सुधार सकते हो, हाउ कैन यू इम्प्रूव इंग्लिश, क्यों आप क्रिकेट खेल सकते हो, वाई कैन यू प्ले क्रिकेट, मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा, कब आप दिल्ली जा सकते हो, वेन कैन यू गो टू दिल्ली, कब आपको दिल्ली जाना चाहिए, वेन शुड यू गो टू दिल्ली, कब आपको मॉडर्न ग्रामर पढ़ना चाहिए, वेन शुड यू रीड मॉडर्न ग्रामर, क्यों आप हंसते हो, वाई डू लाफ, क्यों आप मुझे सुनते हो, वाई डू लिसन टू मी, उसके बाद क्यों आपने सच बोला, वाई डिड यू स्पीक द ट्रूथ, क्यों आपने मेरा वीडियो देखा, वाई डिड यू वॉच माई वीडियोज, क्यों आप तरक्की करते हो, वाई डू यू प्रोग्रेस। तो गाइज इस तरह से हम चीज़ों को बता सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बस आप थोड़ा एक मिनट वेट कीजिए और देखते रहिए, ठीक है। भड़बली मैं बोलूँगा क्योंकि लिखना तो लाखों करोड़ों सेंटेंस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अब मैं कंटिन्यूस की तरफ आ रहा हूँ गाइज, और परफेक्ट की तरफ आ रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, अब देखिए
कैसे, ये कंटिन्यूस है गाइस, कैसे आप क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे हैं, कैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हाउ आर यू प्लेइंग क्रिकेट, हाउ आर यू प्लेइंग क्रिकेट, हाउ आर यू प्लेइंग क्रिकेट, हाउ आर यू प्लेइंग क्रिकेट। हाँ, उसके बाद देखिए, क्यों आप सच बोल रहे हो, वाई आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ, वाई आर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। बस हमें ये ध्यान देना है कि कौन किस टेंस से जुड़ा हुआ है। अब देखिए कि ये इज पर बना रहे हैं, वेन इज प्रिया प्लेइंग, वेन इज प्रिया प्लेइंग, वेन इज प्रिया प्लेइंग, कब प्रिया खेल रही है, कब प्रिया खेल रही है। हाँ, किसको आप मदद कर रहे हो, हुम आर यू हेल्पिंग, हुम आर यू हेल्पिंग, ये हो गया गाइस, हुम आर यू हेल्पिंग। अब देखिए मैं इसको परफेक्ट में ला रहा हूँ, ठीक है, परफेक्ट में, जैसे कैसे, कैसे भीतरी आएगा परफेक्ट में, कैसे आपने, कैसे आपने क्रिकेट खेला है, कैसे आपने क्रिकेट खेला है, खेला है। ये चूंकि परफेक्ट है तो यहाँ पर हम लोग भीतरी का प्रयोग करेंगे, जैसे हाउ यू है, यू हैव को लेता है तो हाउ हैव यू प्लेड क्रिकेट, हाउ हैव यू प्लेड क्रिकेट, हाउ हैव यू प्लेड क्रिकेट। हाँ, फिर कैसे आपने अंग्रेजी सीखा है, हाउ हैव यू, हाँ लर्नड भी होता है या लर्नड भी होता है, लर्नड भी होता है या लर्निंग भी होता है, हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश। अब कोई नाम आया जैसे कैसे नीतू ग्रामर पढ़ी, हाउ हैज नीतू, नीतू नाम है तो इसके लिए हम लोग हैज का प्रयोग किए, हाउ हैज नीतू रीड ग्रामर, ग्रामर। ओके गाइज, ये हो गया। तो आपने देखा मैंने तीन सेंट, इसी को हेड में बना सकते हैं, जैसे ये तीनों आ गया एक वाई लगा कर, क्यों आप मुंबई गए थे, वाई हैड, क्यों आप मुंबई गए थे, वाई हैड यू गॉन टू मुंबई, वाई हैड यू गॉन टू मुंबई, ये हो गया गाइज। अब देखिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस पर जो लंबे सेंटेंस होता है, जैसे कैसे आप क्रिकेट दो घंटे से खेलते आ रहे हो। देखिए तो कैसे, हाउ आप है तो हाउ हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट, बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट फॉर टू आवर्स, फॉर टू आवर्स, ये हो गया गाइज इस तरह से। हाँ, और हम ये चिन्ह भी देंगे नोट अप एक्सक्लामेशन का। फिर देखिए क्यों, हाँ देखिए क्यों, वाई, हाँ वाई हैज प्रिया, क्यों प्रिया सुबह से खेलते आ रही है, वाई हैज प्रिया बीन प्लेइंग, बीन प्लेइंग, बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग। तो गाइज इस तरह से हम छोटे मोटे कई प्रकार के सेंटेंस के क्रिएशन कर सकते हैं। अब मैं क्विक रिकैप दे रहा हूँ, जैसे क्यों आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, वाई आर यू स्पीकिंग बोल, स्पीकिंग इंग्लिश कंटिन्यूस का है, क्यों आप हंस रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, हाँ क्यों आप मुझे देख रहे हो, वाई आर यू वॉचिंग मी, क्यों वे लोग बोल रहे हैं, वाई आर दे स्पीकिंग, क्यों वे बोल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस, वाई वेयर दे स्पीकिंग, क्यों वे दौड़ रहे थे, वाई वेयर दे रनिंग, आइए प्रेजेंट परफेक्ट, क्यों आपने बोला है, वाई हैव यू स्पोकन, क्यों आपने ग्रामर पढ़ा है, वाई हैव यू रीड ग्रामर, क्यों प्रिया बाजार गई है, वाई हैज प्रिया गॉन टू मार्केट, क्यों नीतू सच बोली है, वाई हैज नीतू स्पोकन द ट्रूथ, क्यों नेहा मुंबई गई है, वाई हैज नेहा गॉन टू मुंबई, क्यों विकास सर आपको पढ़ाए हैं, वाई हैज विकास सर टॉट यू, ठीक है। तो गाइज अब कंटिन्यूस में देखिए, क्यों आप 7 AM से लिखते आ रहे हैं, वाई हैव यू बीन राइटिंग सिंस 7 AM, क्यों आप सुबह से पढ़ाते आ रहे हैं, वाई हैव यू बीन टीचिंग सिंस द मॉर्निंग, क्यों नेहा 2 घंटे से हंसते आ रही है, वाई हैज नेहा बीन लाफिंग फॉर 2 hours, क्यों इंडिया पिछले कई सालों से तरक्की करते आ रही है, वाई हैज इंडिया बीन प्रोग्रेसिंग फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स,
तो गाइस अब इनमें तीन सबसे महत्वपूर्ण, दो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है हु और विच, उसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर मैं एक बार मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, इसमें 30 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। ये थोड़ा स्मूथ बोर्ड है तो इसीलिए जल्दी से ये हो जाते। अब गाइस देखिए, हाँ देखिए, अब मैं आपको WHO पर बता रहा हूँ जो सिलेक्शन का काम करता है। जैसे देखिए, कौन कौन एक अच्छा विद्यार्थी है, कौन एक अच्छा विद्यार्थी है। तो गाइज इसमें हम एज भी लगा सकते हैं, उज भी, एक जस्ट हम नमूना बता रहे हैं। जैसे हु इज ए गुड स्टूडेंट, हाँ ये मेल मेंबर्स जो होते हैं उनके बीच सिलेक्शन करता है। जैसे कौन गणित में अच्छा है, हु इज गुड एट मैथ्स, हाँ कौन गणित में अच्छा है, कौन कौन एक वफादार लड़का है, हु इज ए लॉयल लॉयल बॉय, हु इज ए लॉयल बॉय, ये गाइज हो गया। फिर देखिए, कौन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गाइज हुआ। और यदि हमें नॉन लिविंग में सिलेक्शन करना हो, ठीक है, हाँ तो हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कौन सा एक अच्छा मोबाइल है, कौन सा एक अच्छा मोबाइल है। तो गाइज देखिए, इसके लिए हम लोग विच का प्रयोग करेंगे, दो तरह से बनाएंगे, विच इज ए गुड मोबाइल, विच इज ए गुड मोबाइल, या विच मोबाइल इज गुड, विच मोबाइल इज गुड, ठीक है गाइज। अब देखिए, हाँ कौन सा शहर खूबसूरत है, विच इज कॉम्पेरिजन कर रहे, विच इज ए ब्यूटिफुल टाउन, या विच टाउन इज ब्यूटिफुल, विच टाउन इज ब्यूटीफुल। अब गाइज एक तीसरा वर्ड पोजिशन के लिए आता है, जैसे 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 किसका, किसका है, ये कौन सा है, सिलेक्शन हो रहा है, ये पोजिशन को दिखा रहा है, किसका मोबाइल अच्छा है, किसका मोबाइल अच्छा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, किसका मोबाइल अच्छा है। तो हम लोग इसके लिए विच का प्रयोग नहीं करके हुज ही करेंगे, जैसे हुज इज ए गुड मोबाइल, हुज इज ए गुड मोबाइल गाइज, या हुज मोबाइल इज गुड। फिर हम लोग यूज करेंगे, हाँ किसकी कार नई है, हुज इज ए न्यू कार, हुज इज ए न्यू कार, हुज इज ए न्यू कार, या हुज कार इज न्यू, ये हो गया गाइज। अब एक वर्ड बच गया यहाँ पर, व्हाट, तो व्हाट का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, ठीक इसी तरह से करेंगे, जैसे क्या आप समाज के लिए कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर द सोसाइटी, क्या आप देश के लिए कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू फॉर द कंट्री, क्या आपको अपने देश के लिए करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू फॉर द योर कंट्री, क्या आपको अपने परिवार के लिए करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू फॉर योर फैमिली। तो गाइज इस तरह से जो 9 वर्ड्स है, हु हाउ वेन विच हुज हुम वेयर, ये सारे WH क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। इसको हम ना केवल 24 हेल्पिंग वर्ब्स कैन शुड मे माइट इत्यादि से जोड़ेंगे, बल्कि ये टेंस में जो 12 टेंस से किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे टेंस से रिलेटेड 8 वॉइस है, ये जो अदर वॉइसेज है सबके साथ हम इसको ठीक उसी तरह यूज कर सकते हैं। तो गाइज ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दीज देन यू विल नॉट गेट द रियल बेनिफिट्स ऑफ दीज, दिस इज द रीजन दैट यू हैव टू लर्न ऑल दीज 9 इंट्रोगेटिव वर्ड्स ब्यूटिफुल्ली, एंड ऑन्स यू अंडरस्टैंड यू वुड बी एबल टू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द पीपल हुम यू आर टॉकिंग टू। तो गाइज ये काफ़ी उपयोगी है, यदि आप इसको अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो मुझे लगता है कि छोटे मोटे एक्सप्रेशंस आप बोलना लिखना समझना स्टार्ट कर देंगे, और किसी के साथ कम्युनिकेट करना आपके लिए बेहद आसान होगा। मैं भी जब अपने ऑफलाइन क्लासेज में स्पोकन क्लासेज करवाता हूँ तो इन शब्दों का भरपूर प्रयोग करवाता हूँ, और ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत भी मैं मैशिप प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो इसलिए गाइज आप ये सारे चीज़
24 हेल्पिंग वर्ब्स टेंस वॉइस पर संबंधित है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, आज के बाद आपको संभवतः दिक्कत नहीं आना चाहिए। और यदि आप किसी भी समय आपके मन में आप लगता है कि मुझे इस शहर से जुड़ना चाहिए, तो आप मुझे ऑनलाइन भारत के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। और यदि आप इस शहर के हैं तो आप मुझे ऑफलाइन क्लास के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।